राजकुंद्रा ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने वाला घर खरीद लिया था। आज भले ही कुंद्रा सलाखों के पीछे हो, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से पहले वो किसी शहंशाह से कम नहीं थे। शिल्पा शेट्टी को पहली बार देखने के बाद ही राजकुंद्रा उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। कुंद्रा तब यूके में रहा करते थे। एक दिन राज ने शिल्पा को फोन कर कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर शिल्पा ने जवाब दिया, देखिए आप यूके में रहते हैं, लेकिन मेरा तो सब कुछ मुंबई में है। मैं किसी भी कीमत पर मुंबई नहीं छोड़ सकती और आपका तो मुंबई में घर भी नहीं है, इसलिए चाह कर भी हमारा ये रिश्ता नहीं हो सकता। इतना सुनकर कुंद्रा ने शिल्पा से कहा कि मैं तुम्हें 5 मिनट में फोन करता हूँ। कुंद्रा ने फोन काट कर तुरंत मुंबई में रहने वाले अपने बिल्डर दोस्त को फोन कर कहा कि मुझे मुंबई में घर खरीदना है। दोस्त बोला कि अमिताभ बच्चन के बंगले के ठीक सामने एक घर बिक रहा है, लेकिन वो थोड़ा महंगा है। कुंद्रा ने घर की कीमत पूछी और कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए ज्यादा दूंगा, लेकिन मुझे घर अभी का अभी चाहिए। कुंद्रा ने तुरंत पैसा ट्रांसफर किया और सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो घर खरीद लिया। इसके बाद कुंद्रा ने शिल्पा को फिर से फोन मिलाया और कहा कि वो आप कह रही थी ना कि मेरा मुंबई में घर नहीं है, मैंने अमिताभ बच्चन के सामने वाला घर अभी ही खरीद लिया है। ये बात सुनकर शिल्पा हैरान रह गई और फिर उन्हें पता चल गया कि राज उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट में बताइए, और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।